शहरी लोगों को यह एक नया फ्री भी लग सकता है, वो इसे मजाक में भी ले सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो भारत में एग्रीकल्चर क्राइसिस की तरफ इशारा करता है। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी के एक चुनावी वायदे की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो किसानों के बेटों से शादी करने वाली लड़कियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये संभवतः देश में पहली बार इस चुनावी वादा किया गया है जिसमें किसी किसान के बेटे से शादी करने पे जो दुल्हन है उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल किसानों के बेटों को लोग अपनी बेटी का हाथ नहीं दे रहे या देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनकी आय बहुत कम है और खेती किसानी को हिकारत की नज़र से लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि यह समस्या उत्पन्न हुई है। इसी वजह से किसी भी पिता की इच्छा ये होती है कि वो अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में दे जो या तो नौकरी कर रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा हो। इस लिहाज से जो खेती किसानी करने वाले लड़के हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या शादी की आ पड़ी है। महाराष्ट्र में ये समस्या बहुत गंभीर है, जहाँ से हम लोग को अक्सर ये फीडबैक आता रहता है। कर्नाटक में ये समस्या गंभीर हुई है और वहाँ पहली बार ये चुनावी वादा बना है। चुनावी वादा तो ये पूरे देश में पहली बार बना। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसी लेके सभी पार्टियाँ इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो इमोशनल मुद्दे हैं, उन्हें उठाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस तरह का जो शादी वाला मुद्दा है किसानों के बेटों से, वो पहली बार उठाया गया। एच डी कुमार स्वामी JDS के प्रमुख नेता हैं। अगर उनकी उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो किसान के बेटे से शादी करने वाली दुल्हन को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र में भी ये चुनावी इशू बनेगा और दूसरे राज्यों में जहाँ पे फार्मर्स इनकम बहुत कम है और देश में करीब 80% से अधिक छोटे किसान हैं जिनकी इनकम रोजाना जो है शुद्ध आय जो है सिर्फ 28 रुपये है। उनकी जो जिंदगी है वो संघर्ष में ही गुजरती रहती है। इस वजह से खेती किसानी हिकारत की नज़र से देखी जाने लगी है और ये पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक और आसपास के जो राज्य हैं जहाँ पे किसानों की आय कम है वहाँ पे ये किसानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और अब ये एक सामाजिक समस्या बनकर उभर रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। खेती किसानी के सामने जो बड़ा संकट है वो संकट है कि कम कमाई की वजह से ही इस पैसे को लोगों ने हिकारत की नज़र से देखना शुरू कर दिया है, जबकि अगर अन्न पैदा ना हो, अगर किसान ना हो तो ये देश कितने बड़े संकट में होगा, लोग कितने बड़े संकट में होंगे। उसको हम कोरोना काल में, जब कोरोना काल के लिए लॉकडाउन लगा था उस टाइम के हम एक सीन जो सीन क्रिएट हुआ था उससे हम समझ सकते हैं। लोग अनाज लेने के लिए भाग रहे थे, कोई भी दूसरी चीज़ों के लिए नहीं भाग रहा था। तो खेती किसानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से हमारा पेट भरता है, लेकिन आज उसी खेती किसानी को लोगों ने इतनी हिकारत की नज़र से देखना शुरू कर दिया है कि खेती करने वाले जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो ये अब भविष्य में ये मुझे लगता है कि और कई राज्यों में ये बड़ा चुनावी वादा बनेगा और इस चुनावी वादे के साथ ये पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्राइसिस है, जो किसानों की स्थिति है, उस पर चिंतन करने का समय है सबको कि ये किसानों की जो अभी जो आय है वो कैसे बढ़ेगी, किसान कैसे आगे बढ़ेंगे, ताकि ये जो एक नई सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही है शादी ब्याह की, वो ख़त्म हो।